हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस हो या सेल्स हो, दोनों ही बिजनेस में अंत में जीत उसी की होती है जो सवाल पूछता है। फ्रेंड्स, इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि क्लाइंट को प्लान डायरेक्ट नहीं दिखाना है। जैसे कि लोग अक्सर करते हैं कि सर, मैं XYZ की कंपनी से हूँ और मैं आपके लिए एक नया प्लान लेके आया हूँ, मेरी कंपनी में दो तरीके के प्लान हैं, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। उनसे पूछिए कि सर, आपने क्या अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे, क्या इस बारे में आपने कुछ सोचा है? उनसे पूछिए कि सर, आपको कितनी पेंशन रिटायरमेंट के बाद मंथली चाहिए? जैसे ही उनका आंसर आता है, आप उनसे पूछिए कि सर, आप सरकार की बैकअप वाली पेंशन लेना चाहेंगे? फिर आप उन्हें जीवन उमंग, जिसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के ऑप्शन होते हैं, आप उन्हें इस प्लान के बारे में समझा के उन्हें पूछिए। फ्रेंड्स, याद रखिए, पेंशन आप चाहे मंथली लें या एनुअली बताएं, पर प्रीमियम आपको डेली बेसिस पर ही बताना होगा। जैसे कि आपको रोज के 100 रुपये या रोज के 200 रुपये की सेविंग बतानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।